फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सिंगल क्लिक करके अपने किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो या फोल्डर हो या फोटो हो या वीडियो। किसी भी फोल्डर वीडियो को आप किस तरह से सिंगल क्लिक करके आप उसको ऑन कर सकते हो, खोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ किस तरह से वो काम कर। जैसे कि अभी ये वाला है, ये इसमें सिंगल क्लिक करो, ये खुल जाएगा। कुछ भी आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो सिंगल क्लिक करके। सिंगल क्लिक करो और ये खुल जाएगा अपने आप। और अगर आपको माउस का ये सेटिंग अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं माउस का सेटिंग भी दे दूंगा किस तरह से ये बड़ा होता है, छोटा होता है माउस, और रंगीन वाला, कलर वाला माउस। अगर आपको माउस का जो अगर पॉइंटर आपको चाहिए, जैसे कि अभी ये यहाँ पे रखो तो इसमें भी दिखाता है, हाथ वाला ऑप्शन आता है, नहीं तो ये नहीं आता, इसको सेटिंग से इसको लाना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए ये वाला तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको दूंगा। और अभी मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि सिंगल क्लिक करके आप किस तरह से किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको फोल्डर के सेटिंग पे जाना पड़ेगा, विंडोज बटन पर क्लिक कीजिए और लिखिए फोल्डर। फोल्डर लिखने से आ जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें जो सेटिंग है ये वाला देखिए, नंबर 2, क्लिक आइटम एज फॉलो, सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, पॉइंट 2 सिलेक्टेड। और आपके में ये डबल क्लिक वाला रहेगा, नीचे वाला रहेगा, तो अभी आप इसको ऊपर वाला करके, ये वाला नीचे रहेगा तो इसका ऊपर कर लीजिएगा ऐसे। तो बस ये दो सेटिंग कर लीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए एंड देन ओके। बस आपका ये हो जाएगा। अभी आप करके देखिए, सिंगल क्लिक करके आप खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंगल क्लिक करके कुछ भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।